भारत के ईस्टर्न हिमालयस में बसा एक छोटा सा राज्य सिक्किम, जो खूबसूरत वादियों, झीलों, झरनों, हरे भरे पहाड़ और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा के खूबसूरत दृश्यों से भरा है, वो इंडिया का 100% ऑर्गेनिक स्टेट भी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सिक्किम दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्राचीन पद्धति है जिसे पर्यावरण शुद्ध रहता है और भूमि की प्राकृतिक प्रकृति भी बनी रहती है। इसके प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है और सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना भी कम होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय फॉसिल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है और इंसेक्टिसाइड्स के बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की खेती में कंपोस्ट खाद, गाय का गोबर, बायो पेस्टिसाइड, केचुआ खाद और फलों के अवशेषों का उपयोग किया जाता है। 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ भारत ने फसल के उत्पादन को बढ़ाया और देश के लिए पर्याप्त फूड ग्रेन्स का उत्पादन किया, लेकिन इसके साथ ही भारत के खेती करने के तरीकों में केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स भी आ गए। ये केमिकल्स न केवल सॉइल और वाटर रिसोर्सेज को कंटामिनेट करते हैं, बल्कि किसानों और कंज्यूमर्स के लिए स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करते हैं। साल 2003 में सिक्किम गवर्नमेंट ने किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य खेती में केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के उपयोग को खत्म करना था, ताकि वे सिक्किम के लोगों के लिए सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और स्वस्थ भविष्य बना सके। सिक्किम फेवरेबल क्लाइमेट और अलग अलग कृषि संसाधनों से परिपूर्ण है, तो पर्यावरण की रक्षा करने और किसानों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम का ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। सबसे पहले सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे और केमिकल बेस्ड फार्मिंग के खतरों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप्स का आयोजन किया, ताकि वो किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीकों के लिए शिक्षित कर सके। किसानों को कंपोस्टिंग, क्रॉप रोटेशन, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल और दूसरे ऑर्गेनिक तकनीकों के बारे में सिखाया गया। सरकार ने किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर प्रोत्साहित करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और सब्सिडीज भी दिए। पहले तो उनके लिए ट्रेडिशनल फार्मिंग के तरीकों को बदलना चुनौतियों भरा था, लेकिन फिर सरकार के सहयोग से लोगों ने धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया। किसान अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों के साथ खुद के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाना सीख गए। इससे उनको बाहर से इन चीजों को लाना नहीं पड़ता और उनकी डिपेंडेंसी खत्म होने के कारण पैसे भी बचने लगे। सिक्किम के जैविक उत्पादों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस एक महत्वपूर्ण कदम था। थर्ड पार्टी एजेंसियों को कठोर निरीक्षण और स्ट्रिक्ट ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए खेतों को ऑर्गेनिक के रूप में सर्टिफाई करने का काम सौंपा गया। सरकार ने ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स के कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया। इस तरह से न केवल केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल में कमी हुई, बल्कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हुई और साथ ही साथ वाटर रिसोर्सेज को केमिकल्स से होने वाले प्रदूषण से भी बचाने में मदद मिली। सिक्किम का एक ऑर्गेनिक स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन ने न सिर्फ इसकी कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि पर्यावरण और इसके लोगों की भलाई पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है। दुनिया भर के दूसरे क्षेत्रों ने सिक्किम की सफलता से प्रेरणा ली है और अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के तकनीकों को अपना रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली बार एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।